हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे मेसो एप्लीकेशन में जब आप लोग यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको आता होगा यहाँ पे यूपीआई आईडी करके। तो आप लोग यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि यूपीआई आईडी यहाँ पे क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यूपीआई आईडी क्या होता है। सो गाइज, अगर आप लोग अपने फ़ोन पर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, तो उसमें एक यूपीआई आईडी होता है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे कोई भी बंदा जो है आपको पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। आपके यूपीआई आईडी के थ्रू ही कोई भी आपको पैसा यहाँ पर भेज सकता है। ओके, तो जो है आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर मांग रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो है आप लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने पे क्लिक किया करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यूपीआई आईडी मांगता है। तो यूपीआई आईडी को जो है आपको पता करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूपीआई आईडी होने के लिए आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में पेटीएम या तो फिर फ़ोनपे या तो फिर गूगल पे का होना ज़रूरी है। तो जो है उसमें जो है आपको यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगा। तो यूपीआई आईडी को पता करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से हाउ टू फाइंड पे क्लिक करना है यूपीआई आईडी पे, और यहाँ पे पेटीएम को जो है सेलेक्ट करना है। पेटीएम पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपका जो यूपीआई आईडी है वो जब आप लोग पेटीएम को ओपन करेंगे तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका जो यूपीआई आईडी है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है यूपीआई आईडी लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर रहेगा या भी और @paytm लिखा रहेगा, तो इस तरीके से आपको जो है दिखाई देगा। और अगर आप लोग यहाँ पे फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे में आपको इस तरीके से जो है @YBL करके दिखाई देगा और यहाँ पे आपको माई यूपीआई आईडी दिखाई देगा। तो अगर आपने पहले से ही फ़ोन पे या तो फिर पेटीएम में अकाउंट बना रखा होगा तो सिंपली से आपको उसको ओपन करना है, और जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज में आपको दिखाई दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना यूपीआई आईडी को पता भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।